सत्य के साथ। हमारे भारत देश को यूं ही खूबसूरत देश नहीं कहा जाता। यहाँ है कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे OMG ये भारत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के शहरों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। हमारे भारत में कई ऐसे शहर और गांव हैं जिनका नाम पुर से खत्म होता है, जैसे कि आपने सुना और देखा भी होगा रामपुर, रायपुर, कानपुर और इससे मिलते जुलते नाम। यहाँ छोटे से लेकर बड़े गांव के नाम भी पुर से खत्म होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर में इन नामों के पीछे पुर क्यों लगाया जाता है? तो चलिए आज आपको बताते हैं। आपको बता दें, पुर शब्द प्राचीन काल से ही भारतीय शहरों के नामों में शामिल रहा है और आमतौर पर नाम के आखिर में प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा अपने नगरों के नाम अपने नाम के साथ पुर शब्द जोड़कर रखते थे, जैसे कि जयपुर शहर का निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। उन्होंने अपने नाम के साथ पुर जोड़कर शहर का नाम जयपुर रखा। इसी प्रकार अन्य नगरों के नाम में भी पुर शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर में इस पुर का मतलब क्या है, आखिर में इस पुर को क्यों लगाया जाता है। पुर शब्द का अर्थ शहर या किला है। यह शब्द प्राचीन संस्कृत में प्रयोग किया जाता था और कई वर्षों से इसे भारतीय शहरों के नामों में जोड़ा जाता रहा है। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने राज्य की राजधानी और महत्वपूर्ण नगरों को अपने नाम के साथ पुर शब्द से जोड़ते थे। समय के साथ यह शब्द अलग अलग शहरों और गांवों के नामों से जुड़ता गया। देखा जाए तो पुर शब्द की एक और कहानी है। आपको बताए तो कुछ लोगों का यह मानना है कि पुर शब्द का प्रयोग अरबी भाषा में भी होता है। इसी कारण अफगानिस्तान और ईरान के कुछ नगरों में पुर शब्द का प्रयोग होता है। तो ये था पुर लगाने और उसके पीछे का मतलब। ऐसी और खबरों के साथ हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।